यो हो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। भाई देखो, जब हम कॉलेज में जाते हैं तो सबसे बेस्ट कॉलेज पिक करते हैं अपने लिए, अपनी डिग्री के लिए, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी बाइक को भी बेस्ट पिक क्यों ना करें। तो जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ, अगर आप कॉलेज में एंटर कर रहे हो और आपके लिए कोई बाइक खरीदनी है आपको अपने लिए, तो मैं इस वीडियो में आपको टॉप 5 बाइकें बताऊंगा जो आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए कोई बाइक खरीदने से पहले। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं, हमारे नंबर पे आते हैं होंडा की तरफ से आने वाली एसटी शाइन। जी हाँ दोस्तों, भाई ये बाइक जो 125 सीसी सेगमेंट की बाइक है, इसके अंदर भाई माइलेज सबसे पहला फीचर इसका यही है कि इसके अंदर माइलेज आपको 65 से लेकर 70 तक का माइलेज देखने मिल जाता है। इसलिए मैंने इस बाइक को टॉप नंबर 1 पे रखा है, ठीक है। और इसके अंदर भाई कॉलेज के लिए भाई देखा जाए ना, तो इसका लुक भी इतना स्टैंडर्ड नहीं है भाई, इसका लुक भी काफी स्टाइलिश दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए काफी अच्छी है, प्लस कंफर्टेबल भी है, प्लस फैमिली इकोनॉमिक चली भाई। तो मतलब फैमिली का मतलब कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो अगर घर पे कोई बड़े लोग हैं वो भी राइड कर सकते हैं कंफर्टेबली, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। प्लस भाई कॉलेज के लिए तो अपनी परफेक्ट रहेगी रहेगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली भाई। माइलेज हो गया, फीचर्स हो गए, इसके अंदर लुक बढ़िया है, और जो इसकी हेडलाइट है वो इसको एलईडी हेडलाइट दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड नंबर की बाइक के ऊपर। भाई ये बाइक वो है जिसको मैं 2 साल से राइड कर रहा हूँ। इस बाइक का नाम है टीवीएस की तरफ से आने वाले टीवीएस राइडर 125। दोस्तों भाई ये बाइक ना इतना बता रहा हूँ, 2023 में इसको अवार्ड मिला हुआ है 125 सीसी के सेगमेंट में, क्योंकि भाई 125 सीसी के सेगमेंट में इतना तगड़ा भाई स्पोर्टी लुक, प्लस इतने फीचर्स, प्लस इसका परफेक्ट डिजाइन, भाई काफी अच्छी बाइक है। इसके अंदर आपको स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी, TFT डिस्प्ले, वॉइस नोट का फीचर, भाई स्प्लिट सीट का फीचर आपको देखने मिल जाता है। प्लस भाई इसके अंदर एग्जॉस्ट है, भाई एग्जॉस्ट बहुत प्यारा रहता है मेरे को इस बाइक का, एग्जॉस्ट भी काफी अच्छा दे रखा है। प्लस भाई इसकी हैंडलिंग है भाई काफी अच्छी बना रखी बाइक ने, और जिसको फ्रंट लुक है भाई काफी एनिमल लुक देखा, विकेट स्टाइल बिल्कुल लुक दे रखा है इसके अंदर, तो काफी अच्छा। भाई एवरेज भी काफी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, एवरेज आपको 60 से स्टार्टिंग में 60 तक का मिल जाएगा, 55 से 60 तक का। तो भाई एक स्पोर्ट बाइक के अकॉर्डिंग तो भाई बढ़िया एवरेज है, ठीक है। जैसा मत कह रहे हैं कि भाई एवरेज कम है, एवरेज तो कम है, बट लेकिन लुक तो देखो भाई, लुक भाई बहुत बढ़िया। इससे तो इतना कन्फर्म है कि आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अंदर अपनी कोई ना कोई बंदी बना लोगे, ठीक है। अब मूव ऑन करता हूं थर्ड नंबर की बाइक के ऊपर। भाई देखो ये बाइक है मेरी ड्रीम बाइक, भाई देखो यामाहा की तरफ से आने वाली MT15। भाई परफॉर्मेंस का बीस्ट है ये, 125 सीसी सेगमेंट में इससे तगड़ी बाइक मुझे बता दो कोई है ही नहीं। भाई ट्रैक पे जब चलती है ना, लगता है कि भाई कोई मॉन्स्टर चल रहा हो। भाई क्या लुक है इस बाइक का, भाई आजकल के जेम्स बॉन्ड लगते हैं बिल्कुल ही। ट्रैफिक में भाई पुलिस वाले हाथ देकर रोकते हैं कि भाई ये कौन जा रहा है। भाई हमारी यामाहा MT15 भाई क्या बाइक है भाई। इस बाइक को तो मैं भी दिल से बहुत पसंद कर सकता हूँ भाई। इसके अंदर आपको 45 kmpl का माइलेज देखने मिल जाता है। प्लस भाई इसके अंदर जो लुक है भाई, मैंने बताया टीवीएस राइडर एस्पेशन सबको बीट करती है भाई लुक के मामले में, तो भाई काफी तगड़ी बाइक है, कॉलेज के लिए परफेक्ट चॉइस होने वाली है आपके लिए। भाई अब मूव ऑन करते हैं हमारी फोर्थ नंबर बाइक के ऊपर। भाई फोर्थ नंबर पर आती है बजाज की तरफ से आने वाली NS125। भाई इस बाइक को भाई मैंने देखा ना, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है टीवीएस राइडर के साथ। बस इसमें दिक्कत ये आती है कि इसमें फुली डिजिटल डिस्प्ले नहीं मिलता, आपको एनालॉग मिलता है देखने के लिए, तो वहां पे थोड़ा मास खा जाती है। पर इसको जो एग्जॉस्ट है वो भी इतना अच्छा नहीं है, बाकी भाई एवरेज के मामले में तो ये राइडर को भी कॉम्पिटिशन देगी, आराम से 60 तक का एवरेज दे देती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लुक के मामले में बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी तगड़ी है भाई, मस्कुलर बॉडी भी इसकी बढ़िया है, तो ये मत बोलना भाई कॉम्पिटिशन तो राइडर के साथ इसका भी है, ठीक है। तो इस बाइक को भी चेकआउट कर सकते हो तुम। भाई अब मूव ऑन करते हैं हमारी फिफ्थ नंबर की बाइक के ऊपर। भाई जो आती है हीरो की तरफ से XT125। जी हाँ दोस्तों, बाइक न्यूली लॉन्च हुई है भाई। इस बाइक का लुक, डिजाइन, प्राइस मुझे बहुत प्यारा लगा। इस बाइक के अंदर आपको 125 सीसी में भाई फुल बॉडी मेटल की देखने मिलती है, काफी अच्छा टैंक भी दे रखा है इसके अंदर। भाई डिजाइन तो क्या ही बोलूं, मैं बता रहा हूँ MT15 के बाद सेकंड नंबर पर बेस्ट डिजाइन XT125 का ही है। जी हाँ दोस्तों, जबकि मैं टीवीएस राइडर पे फिर भी मैं इसको बोल रहा हूँ कि एक्सट्रीम का भाई डिजाइन काफी अच्छा दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इसके प्राइस के बारे में। प्राइस वाइज जो 1,25,000 तक इसकी स्टार्टिंग में मिलती है, उसमें टॉप वेरिएंट लोगे तो थोड़ा 1,30,000-40,000 तक चला जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। भाई देखो राइड कंफर्टेबल राइड करती है, एवरेज भी अच्छा देती है, 50-55 तक एवरेज देगी आपको XT125। प्लस भाई इस बाइक का जो कलर है, वेरियंट है भाई, बहुत प्यारे कलर वेरियंट दे रखे हैं, और फीचर्स भी काफी तगड़े तगड़े दे रखे हैं जो 125 सीसी सेगमेंट में नहीं देखने को मिलते हैं, और एग्जॉस्ट तो है इसका प्यारा। भाई मैंने आपको इस वीडियो में टॉप 5 बाइकें बताई, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या मतलब कॉलेज में एंटर हो रहे हो तो आप इन बाइक को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप भाई इन बाइक में से आपको कोई फेवरेट बाइक भी है तो कमेंट में जरूर मेंशन कर देना चाहिए, तो मुझे पता चल सके भाई कि आपकी जो फेवरेट बाइक है मैंने वीडियो में कवर करी है। और भाई अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना। तब तक के लिए भाई मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।